वॉशरूम में बिल्ली के पाँव के निशान नहीं है, वो लकीरें अजीब तो है। चूहे के भी नहीं हो सकते, नहीं चूहे के भी नहीं, बिल्ली के भी सही बोलते हैं, चार होते हैं, ये हाँ इसमें छह सात है, कम से कम हाँ इतने छोटे नहीं होते यार। ये बिल्ली के हैं? नहीं यार, बिल्ली के नहीं है दादा ये। एक ख्याल ये आ रहा है कि जाएं हम जाके उस थैली को भी खोलें, उन अंडों के साथ जो लिफाफे रखे हैं उनको भी खोलें, और एक ख्याल आ रहा है कि यार बस अब आए ही ना दोबारा यहाँ पर। इस चीज़ का तो नहीं पता था, इनको पता होता यकीनन बताते ये। सबसे इनको नहीं पहले पता मुझे था, लेके मेरे ख्याल जाते से वहाँ किसी ना पे, किसी ने तो देखा है, किसी ना किसी के इल्म में है ये बात, और हम तक नहीं पहुंची है वो, इन तक भी नहीं पहुंची सर, तो इन तक शायद भी नहीं मालिक तक पहुंची। भी नहीं पहुंची। ये जो पता नहीं, अब शक नहीं कर सकते किसी पे, लेकिन ये जी फेंका हुआ नहीं गया, बाकायदा रखा गया रखा गया। है। आप परेशान ना हो, बस बस जो जैसा करता है ना वो वैसा करता है। बढ़ता है भाई, जब आपने किसी का गलत नहीं किया ना तो आपके साथ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। सही नहीं है यार, क्रॉस किया हुआ उसको भाई। आंखें देखो, सफेद आंखें हैं उसकी, लाइट ब्लू चल रही जी, और उसके सर पर क्रॉस का निशान नजर आ रहा है। ये लाल सर रेड कलर है। इसका ये जो लाल निशान डेंजर साइन कह रहे हैं आप इसको, कौन लाएगा इधर, इधर कोई क्यों फेंकेगा इसको, कोई और खिलौना नजर आया? क्रॉस का निशान समझ नहीं आया, अंडे मुझे समझ नहीं आ रहे अभी तक, जो थैली बिछा के रखे गए। और थैली ब्लैक चौपर पे, ब्लैक चौपर लंबी सांस लेके आना। हाँ शुरू हो गई बदबू, ये वाजे निशानी है बदबू जो उससे पहले नहीं आई थी। इसको जो प्लास्टिक की पुड़िया है, हाँ ये मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। ये देख रहा हूँ तो धागे से, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्रॉस सा कुछ बना हुआ है थैली के आगे। ये आ गया, आ गया। मेरा दिल पता है इसको क्रॉस करने का भी बना है। तुम्हें मेरा सर बहुत दुखने लगा। बात तो मान जाओ। आ जा आ जा, इस तरफ आ जा काम। क्या ये सदका होता है कि आप अपने घर में अंडे रख दें? नहीं यार नहीं, सदका आप तो, और मेरे ख्याल से हम और आप तो बहुत ज़्यादा इस मामलात में रहे हैं। सदका फ़ौरन से फ़ौरन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर घर में बकरा और मुर्गी भी, काली मुर्गी ला कर रखी जाती है तो 24 घंटे एक रात, उस सुबह उसको जो फ़ौरन जो दे दिया जाता है, बाकी जो कलेजी फेफड़े ये सब चीज़ें जो लाते हैं ये भी एक रात रखी जाती है, अंडे और आटा और सरसों का तेल ये भी रखा जाता है, वो भी एक रात रखा जाता है। भाई मुझे तो ये याद है, ज़्यादातर आपसे 7 बार घुमा लेते हैं, हाँ आपका हाथ लगवा देते हैं। बिल्कुल, आपके नाम का सत्कार भी जो होता है, बिल्कुल फलां दिन का होता है, उस दिन दे दिया दे दिया। घर में ऐसा रखा नहीं जाता, नहीं जाता नहीं जाता नहीं सर भी, ये तो ऐसा लग रहा है ना, ये तो देखें एक तो रखना होता है ना, किचन है, कबर्ड्स है, अंडे रखे हुए हैं, समझ आती है बात। उस जगह पे उस कोने में एहतमाम के साथ थैली बिछा कर के ऊपर 4 अंडे, ऊपर कुछ थैली है, नीचे भी कुछ रखा हुआ है, उसको थैली उभरी हुई है, लेकिन क्या मामला था साहब भाई? या तो वो जो फैमिली थी उन्होंने कोई कोशिश की है, लास्ट फैमिली, सच्ची बात है। लेकिन ये स्मेल जो है ये अंडों की नहीं आ रही, इस वक्त जो आ रही है ना ये अंडों की नहीं आ रही है। कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे कुछ होने वाला है? हाँ घबराहट, बिल्कुल घबराहट सी आ रही है। हमारी आंखों के सामने है, हमने हर पॉसिबल एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी कोई मुमकिन कोशिश ना, हमें कोई भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही। एक ख्याल ये था किसी आमिर साहब ने कहा हो कि भाई तुम्हारे घर पे असरात हैं, तुम ये अंडे अपने घर के कोने पे रख दो, मसले हल हो जाएं। लेकिन अगर ऐसी कोशिश थी भी तब भी आज 3 साल होने वाले हैं, मसला हल हुआ नहीं। उसका मामला चल रहा है, यकीन करें बहुत ज़्यादा चल रहा है, काले इलम सफले इलम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन ये हो रहा है। देखे आंखें निकल गई, यही तो हुआ है। हमने जैसे ही अंडे देखे, ये जब पीछे था ना कामरान की बैक साइड पे था ये, तो मेरी निगाह इसके चेहरे पे गई, इसका एक रंग जा रहा था, एक आ रहा था कि मैं जवाब क्या दूँ ये अंडा। वो खुद कह रहा है भाई ये तो आप लोगों ने देखा, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसे। ये पहले देखे हैं आपने यहाँ पे? ये हमने नहीं देखे, आज देखे यार, आज ही देखे आप। जैसे हम लोग आते हैं बस ये कमरे दिखाते हैं ये वो, और पार्टी देखने वाली देखती है, जो हम लोग जो ऐसे ही खड़े वो खुद ही चेक करते। कैसे कैसे मामले हैं सुना, यकीन करें अल्लाह मौजूद है ना,
आप तो टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है अभी इस जगह का माहौल क्या है। एक कमरा यख है, एक कमरा शदीद गर्म है, अलग अलग टेम्परेचर है हर कमरे का यार। ऐसा भी नहीं कि साथ वाले घर में हम जा रहे हैं, इस कमरे से उस कमरे में इतना फ़र्क है बाबा। अलग अलग वाकयात भी हुए होंगे भाई, और हमारे साथ भी कुछ अलग ही हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है जी उस फैमिली से मिलें चल के यार, उन चारों में से कोई एक फैमिली तो मिले। एक फैमिली, हाँ ठीक है। असल पता चले कि होता क्या था उनके साथ, मार तो पड़ती थी, लेकिन मैं बताऊँ अच्छे अच्छे का दिल नहीं मानेगा इस चीज़ को देख के। जो नहीं भी यकीन रखता ना इस चीज़ पे, वो भी कहेगा नहीं यार ये नहीं लेना कुछ और, ये कुदरती मामला है, आजमा के देख लें, अपने आप से पूछ के देख लें आपका दिल क्या कहता है। फिर हम चार रात भी नहीं आए, डर के वजह से चले आए। आप लोगों ने कुछ पढ़ा वहाँ पर, कोई कोशिश की कोई बचने के लिए, किसी मौलवी साहब को बुलाया कि इस मसला हल हो ठीक हो कुछ? नहीं हमने नहीं। अच्छा, हमने नहीं किया, हम डर के वजह से चले आए। कभी आपने बोला उनको कि क्यों कर रहे हो ऐसा, हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हमें क्यों तंग कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं बोला, बस जाओ छोड़ दो, बस चले जाओ। चले जाओ। आवाज़ आप बता रहे हैं, आवाज़ कैसी आती थी आपको? आवाज़ कभी बूढ़े की, कभी छोटे बच्चे की, कभी औरत की, ऐसे आवाज़ें सुनाई देती थी जैसे बस खौफ। क्या निकल रही है बात दादा, क्या सुन के आए थे, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है यार? अभी तो ये सिर्फ आखिरी बंदे हैं, पता नहीं जो इससे पहले कम वक्तों में भागे उनके साथ क्या हुआ। आप लोगों के आने से पहले से थे मसले वहाँ पे? मेरे अंदाजे से तब तो वो भागे। अच्छा, तो आपने किसी बाबा को किसी नहीं मना कर रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं कह रहे हैं, बस हम खुद ही निकल गए वहाँ से। एक होता है दिल में सुल भाई कि इंसान एक कोशिश करता है, लेकिन जब इतना खौफ आ जाए ना, कहता हूँ ना जिस पर गुजरती है वो बढ़ जाता है। हम गए हैं जी ऐसी जगहों पे, हमने देखा है लोग बेचारे रोडों पे सामान लेके बैठे हैं दिन में जी, यकीन करें। और उनको हमने कहा है कि यार इतनी जल्दी घर कहाँ से मिलेगा आपको, हमारे घर पे रह लो। इतने परेशान थे, उनका सामान फेंका गया था ऊपर से नीचे, और कौन फेंक रहा था नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने भी यही किया था, अपनी गैलरी को साफ किया था, सफाई की थी वहाँ पर, और उन पर हमला हो गया था दिन दहाड़े। सख्त कोरोना के दिन चल रहे थे, हम गए थे वहाँ पर यार, हमने अपनी आँखों से देखा है। तो कभी आपको मारा तो नहीं, कोई हमला तो नहीं हुआ आप लोगों? नहीं। अच्छा, आप लोगों से पहले जो रहते थे उन पर हमला होता था? उसका भी पता नहीं। अच्छा, क्योंकि हम जब आए तो वो घर मामा को खाली मिला था, हमने घर लिया था। और आप ये कह रहे हैं कि रात को वहाँ पर अंडे नहीं होते थे, सुबह मिलते थे? हाँ। यार ये तो मुझे वो याद आ रही है बात के जैसे लोगों को घर में तावीज मिलते, लेकिन कौन लाता पता नहीं चलता, दीवारों से खून आता, छींटे आते, कौन फेंकता पता नहीं चलता है। आप हटाएं वही चीज सेकंड है आपको वही जगह मिले। तो बस भाई मतलब कैसे, मतलब क्या ये जिन लाते हैं? हाँ, मौकिलात लाते हैं ये, उन्हीं उनके पास जो चीजें हैं वो उसी से काम लेते हैं ना। मतलब कोई अमल कर रहा है, अमल का ही, अमल का हिस्सा है, कोई भेज रहा है ये चीजें गैबी तौर पे। यकीनन दरवाजे का आवाज, दरवाजे की आवाज, खुल गई आवाज जैसे होती है। अच्छा, कोई एक महसूस होता था, एक से ज्यादा महसूस होते थे कि लोग हैं या चीजें हैं वहां पर? बार बार ऐसे बस होता है, मुझे बहुत डर लगा। मतलब कोई भी नेक काम वहाँ करने की कोशिश करें, नमाज कुरान पाक इबादत करने की कोशिश करें, तो वो नाराज हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। हकीकत है, हमने खुद देखा, मैं इधर घर पे बैठी हूँ ना, तब ये चला जाता है ना हमारे कजन के घर, जी जी, तो आवाज आया दो दफा, आवाज दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो खोलो, तो मेरा बेटा डर गया। कभी बात नहीं हुई उनसे, उन्होंने कुछ कहा नहीं? हमारा कभी बात हमने नहीं किया, हम डर जाते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, वो खाली ऐसे बोलता है दरवाजा खोलो दरवाजा, पहले खुला हुआ है दरवाजा, तब बजा के ऐसे भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है। हमने बाल नोच लिए अपने कि कोई अपने घर में ऐसे अंडे कैसे रखेगा। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई वजह समझ नहीं आई, हमें जवाब नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने बताया कि वो अंडे खुद ब खुद पहुँचते थे वहाँ पर। वो कोई भेजता था जादू के जरिए, अमल के जरिए, किसी जिन्नात की मदद, जिन की मदद से, मौकिलात की मदद से, जो सुनते हैं हम कि चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं।